पता नहीं गुड मॉर्निंग कब हो रही है, गुड नाइट कब हो रही है। व्लॉग जब एडिट करूँगी तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है। तो जयपुर जाके वीडियो एडिट होंगी और अपलोड होगी। अभी मैं आपको इनके गांव का घर दिखाती हूँ। और आज का जो प्लान है वो है यहाँ पे जो भी आसपास में देखने लायक चीज़ें, जैसे गरुड़ में कुछ बता रहे हैं और कोसानी, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखाती हूँ। बहुत सही व्यू है। तो अभी मैं आपको घर अंदर से दिखाती हूँ। ये एक रूम है जिसमें पूरे में हमारा ही सामान बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ सामान रखा हुआ है, पूरे में बिखरा हुआ है सामान। एंड ये सेकंड रूम है जिसमें हम नाइट को सोए थे, सभी लोग यहीं पे सोए थे हम। और ये भी एक रूम है, ये है पूजा घर। और ये है किचन जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। बस आज हम गांव में हैं, कल वही हम गुरुग्राम के लिए निकल जाएंगे और फिर परसों हम वहाँ से जयपुर के लिए निकल जाएंगे। तो चलो फिर घूमने चलते हैं। अभी हम लोग आए हैं कोट भ्रामरी मंदिर में और काफ़ी अच्छी ऊंचाई पे मंदिर है, काफ़ी सही लोकेशन है। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। पहले अभी हम ले रहे हैं मंदिर के लिए प्रसाद। दर्शन हमने कर लिए हैं बट मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है मूली बंधवा रहे हैं।
अभी हम लोग मंदिर की छत पे जा रहे हैं। यहाँ से सामने का व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू है। छत पे से जो है पूरा कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है। कैमरे पे उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, बट सामने से बहुत सुंदर लग रहा है कैलाश पर्वत। और व्यू आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा है। हम काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके हैं, काफ़ी फोटोज़ हमने क्लिक करवाई है। कुछ स्कूल के बच्चे मंदिर में पिकनिक मनाने आए हुए हैं, तो रास्ते में हमें ये एक सुंदर सा रिसॉर्ट मिल गया, तो हम खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके और ये बहुत सुंदर था। और यहाँ पर एक ही डमी है जिसको जो है हमारी कुमाऊनी जो पोशाक है पूरी वो पहनाई गई है। और दूर से ना ये ऐसे लग रही थी जैसे सच में कोई औरत यहाँ पे खड़ी हो, पास जाके देखा तो ये डमी थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। अभी हम गांव से निकल गए हैं गुरुग्राम जाने के लिए और रास्ते में हमें इतने सारे वल्चर दिखे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे, मतलब गिद्ध मैंने पहली बार ही देखे अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता था गिद्ध इतने बड़े बड़े होते हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं गर्म पानी में। यहाँ पे जो है हम लोग पहाड़ी दालें ले रहे हैं और पहाड़ी जो भी सब्जियाँ होती है ये सब खरीद रहे हैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ से ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। अभी है पहाड़ी मूली जिसे हम शलगम समझ रहे थे, और ये है गडेरी और गेठी वगैरह, ये सब मैंने यहाँ से ख़रीदा है क्योंकि ये जयपुर में नहीं मिलती है। ये है गोहत की दाल, ये भी मैंने ख़रीदी है। राजमा वगैरह, पहाड़ी राजमा बहुत टेस्टी होती है। भट, ये सब चीज़ें हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और यहाँ पे हमें एक सुंदर सा कैफ़े दिख गया, तो हम यहाँ पे रुके हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि भूख अभी हमें लग गई है। कैफ़े जो है ये बहुत सुंदर है, मतलब जंगल के बीच में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जंगल है पीछे और आगे ये कैफ़े बनाया हुआ है, और इसका फूड भी बहुत टेस्टी था। उत्तराखंड की ब्लॉग की सीरीज़ को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल हम लोग फिर जयपुर के लिए निकल जाएंगे। सो आई होप आपको ये ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।